मानवीय विकास के विषयों को रेखांकित करता हुआ देश में गरीब कल्याण के लिए प्रेरित सरकार युवाओं और महिलाओं की ताकत को बढ़ाते हुए हमारे देश की जो अनेकता में एकता की जो कल्पना है उसको मजबूत करने के लिए सरकार पूरी तरीके से काम कर रही है। और इसलिए आजादी के 75 साल में गवर्नेंस के स्तर पर, स्वास्थ्य के स्तर पर, अंत्योदय जैसे कार्यक्रम पिछड़े वर्ग को आगे बढ़ाने की सशक्त योजनाएं, महिलाओं का एम्पावरमेंट, भारत की सांस्कृतिक विषयों को आगे बढ़ाना, इन 9 वर्षों में जो मजबूती के साथ कार्य रखा उसी को लेकर के ये बजट प्रस्तुत हुआ है। और इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जो बजट है वो लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, हर देशवासी को गौरवान्वित करने के लिए बजट प्रस्तुत हुआ है। और इसलिए ये मुख्यतः अगर आप इस फोकस को, अगर आप बजट के फोकस को देखेंगे तो टेक्नोलॉजी ड्रिवन एंड नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी को बढ़ाने वाला बजट है, अवसरों को बढ़ाने वाला बजट है, विशेष रूप से युवाओं के लिए रोजगार और जॉब के अवसर को बढ़ाने वाला और मजबूत भारत को बढ़ाने वाला ये बजट है। और ये जो सब कुछ संभव हो पाएगा जन भागीदारी और सबका प्रयास, ये विशेष रूप से सरकार का संकल्प है। और इसलिए जो 7 प्रायोरिटी सेक्टर बजट के लिए गए हैं, इंक्लूसिव डेवलपमेंट जिसको समावेशी विकास, अंतिम छोर तक विकास के प्रयत्नों को पहुंचाने का संकल्प, साहस, प्रतिबद्धता और पूरा करने की क्षमता, देश की युवा शक्ति को आगे बढ़ने के अवसर, देश के फाइनेंशियल सेक्टर को, आर्थिक क्षेत्र को मजबूती प्रदान करना, इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट, आधारभूत ढांचे और निवेश के माहौल में सुधार करना, देश की क्षमताओं का विकास करना और ग्रीन ग्रोथ करना, ये बजट की मुख्य विशेषताएं इसमें है। और विशेष रूप से अगर मैं आप लोगों से ग्रीन ग्रोथ की बात करूं तो इस बजट के अंतर्गत आज जो दुनिया में पर्यावरणीय विषय में सबसे बड़ा विषय सर्कुलर इकोनॉमी का है, जिसको हम वेस्ट टू वेल्थ एनर्जी कहते हैं, धरती के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को हम वापस से सर्कुलर इकोनॉमी के द्वारा पुनः रिसाइकिल, रीयूज और रिप्रोड्यूस के द्वारा ले जा पाए। प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों मन की बात में भी इसका उल्लेख किया था और इस बजट में 500 नए वेस्ट टू वेल्थ प्लांट की विषय को रखा गया है। ग्रीन ग्रोथ के लिए जरूरी है कि हम धरती की उर्वरकता को भी बनाए रखें और किसानों के लिए पीएफ प्रणाम जैसी योजना को लागू किया गया है, जिसको नेचुरल खेती को आगे बढ़ाने की बात बजट में की गई है। क्लीन एनवायरनमेंट और गुड हेल्थ, ये दोनों आपस में जुड़े हुए विषय हैं। हमारा जो समुद्री क्षेत्र है वहां पर शरण को रोक, धरती के जो खारापन है उसको रोकने और उसका उपयोग करने के लिए जो मैंग्रोव प्लांटेशन का एक बहुत बड़ा योजना मिष्टी के नाम से इसमें दी गई है। और हम सबको पता है गांव देहात में ताल, तलैया, ये सब पानी के बड़े रिसोर्सेस होते हैं। आज़ादी के अमृत वर्ष में प्रधानमंत्री जी के द्वारा अमृत सरोवर की घोषणा की गई। भारत इस मामले में सौभाग्यशाली है कि हमारे पास बड़ी झीलें भी हैं। पानी को बचाना, पानी को कम्युनिटी रिजर्व के लिए घोषित करना, पानी से कम्युनिटी में समृद्धि लाना, और 75 रामसर साइट्स भी आज़ादी के 75 साल में जो हमने बनाई है उनको हम कैसे संरक्षित करके अन्य अमृत सरोवर और अमृत धरोहर को हम आगे बढ़ाए, इसके लिए बजट में प्रावधान किया गया है। देश में क्लीन और ग्रीन रोड के लिए ओल्ड व्हीकल की स्क्रैप पॉलिसी और CNG को सस्ता करने के अच्छे कदम उठाए गए हैं।
इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना किसी भी देश के विकास की गति को पकड़ा नहीं जा सकता। और पीएम गति शक्ति देश में एक सफलतम उदाहरण है, जब हम 7 मूलभूत और आधारभूत क्षेत्र, चाहे पोर्ट हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे रेल हो, चाहे डिजिटल कनेक्शन हो, चाहे वेयर हाउसेस हो, उसको एक सफलतापूर्वक गति शक्ति ने ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर को जोड़ने का काम किया, उसके लिए एक अच्छे आउटले का